भारत के साथ पहले T20 मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रिंकू सिंह का आया तूफान। ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर कि अफगानिस्तान गेंदबाजों की उड़ा करके रख दी धज्जियां। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैदान पर ऐसा कहर बरसाया अफगानिस्तान के खिलाफ। इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी हिटमैन रोहित शर्मा और रिंकू सिंह, विराट कोहली ने की कि जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे और आप भी दिल से इन बल्लेबाजों को सलाम करेंगे। लेकिन विराट कोहली, रिंकू सिंह और यहां पर रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच यह T20 का पहला मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, काफी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में आप सभी को बता दो कि दोनों अफगानिस्तान और भारतीय टीम, दोनों टीमें हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक टीमें थी। जहां पर भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जब टॉस छाला गया तो टॉस की बाजी अफगानिस्तान के कप्तान ने जीतकर पहले यहां पर बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका हमारी भारतीय टीम को दिया। सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज अफगानिस्तान के उतर गए, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। आप सभी को बता दें कि यहां पर अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और गेंदबाजी का मौका हमारी भारतीय टीम को दिया, जहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जमकर बल्लेबाजी की और काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से रन बनाने शुरू कर दिए। जहां पर हर्षदीप सिंह ने पहले ओवर में जो है आप सभी को बता दूं कि 4 रन दिए, कुलदीप यादव ने दूसरे ओवर में 6 रन दिए और यहां पर आवेश खान ने यहां पर तीसरे ओवर में 12 रन दे दिए। जहां पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अफगानिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे थे। लेकिन भारतीय गेंदबाज काफी घातक खुकार विस्फोटक गेंदबाज हैं, आप सभी को अभी पता लग जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने विकेट चटकाए और यहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। हर्षदीप सिंह जब चौथा ओवर डालने के लिए गए, जहां पर उन्होंने पहली बॉल जैसी डाली अफगानिस्तान के बल्लेबाज ने तगड़ा शॉट खेलकर छक्का लगा दिया। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज छक्का लगा करके खुश हो गए, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि दूसरी बॉल पर हम आउट हो जाएंगे। आप सभी को बता दूं कि हरदीप सिंह T20 का बेहतरीन विस्फोटक एक बॉलर है, जहां पर काफी कातिलाना विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई और यहां पर दूसरी ही गेंद पर चौथी बॉल की एक विकेट चटका दिया, जहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की पूरी हैकड़ी निकल गई। यहां पर हर्षदीप सिंह ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी करा रहे थे, जहां पर आवेश खान भी लगभग 8वां जो ओवर डालने गए तो 8वें ओवर में उन्हें भी एक विकेट हासिल हुआ, जहां पर कुलदीप यादव ने तो 9वें ओवर में 2-2 विकेट एक ही ओवर में चटका दिए, जहां पर उन्होंने काफी विस्फोटक तरीके से यहां पर गेंदबाजी कराई और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अफगानिस्तान के दो बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी खुखार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अपना अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और यहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजी को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इस बार अफगानिस्तान के जो बल्लेबाज है T20 के पहले मुकाबले में 500 रन ठोक देंगे। यहां पर सभी को ऐसा ही लग रहा था क्योंकि बल्लेबाजी काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अफगानिस्तान के बल्लेबाज कर रहे थे। फिलहाल हमारे गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई। जी हां, आवेश खान और कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह ने काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई, जहां पर मोहम्मद शमी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर्षदीप सिंह ने यहां पर 12वें ओवर में 1 ओवर में 3 विकेट चटका दिए, जहां पर कुलदीप यादव ने 13वें ओवर में 2 विकेट चटकाए, जहां पर आवेश खान ने 16वें ओवर में 2 विकेट चटकाए, जहां पर काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी कराई। लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने एक लक्ष्य काफी बड़ा भारतीय टीम को दे दिया था, क्योंकि उन लोगों ने काफी तगड़े शरीर तरीके से बल्लेबाजी की और काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी की, जहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने जो है काफी बड़ा लक्ष्य दे दिया भारतीय टीम को जीत के लिए। जहां पर उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर भारतीय टीम उतरी, जहां पर भारतीय टीम के सबसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर उतरे और अफगानिस्तान की तरफ से घातक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे। जहां पर सबसे पहले बल्लेबाजी करी रोहित शर्मा ने और जहां पर उन्होंने छक्के से शुरुआत की अफगानिस्तान के पहले ही गेंद पर, पहले ओवर में, जहां पर उन्होंने अपने आने का आगाज कर दिया और अफगानिस्तान की धज्जियां शुरू से ही उड़ने लगी। क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा का जब बल्ला चला तो अफगानिस्तान के क्या यहां पर अन्य भी देश के भी गेंदबाज और बल्लेबाज कांप उठे। जी हां, आप सभी को बता दूं कि यहां पर रोहित शर्मा के ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। तो यहां पर आप सभी को बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को धोने में। यशस्वी जायसवाल भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज है, जहां पर इन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को अपने आगे पानी भरने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब 39 रन बना करके यशस्वी जायसवाल पवेलियन का रास्ता देख गए। जी हां, 6वें ओवर की 3री बॉल पर यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर सनसनी
छा गई क्योंकि भारतीय टीम का काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हो गया। लेकिन उसके बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए, जहां पर उन्होंने अपनी शुरुआत 7वें ओवर से की और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से शुरुआत की। फिलहाल सुमन गिल टी20 ओडीआई टेस्ट में पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे, लेकिन इस बार उन्होंने जमकर बल्लेबाजी की और अपना काफी अच्छा कमबैक किया। जी हां, सुमन गिल काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज है जिन्होंने वर्ल्ड कप में काफी मैच अपने बदौलत से जिताया है और यहां पर भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करते रहे। 8वें ओवर में सुमन गिल ने 3 छक्के और 2 चौके एक ओवर में जड़ दिए, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाज भी इनके सामने पानी भरते नजर आए। सुमन गिल काफी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर एक तूफानी तरीके से छाए हुए थे। सुमन गिल के आते ही समझ लो कि काली आंधी आ गई, उस आंधी में पूरी की पूरी अफगानिस्तान के गेंदबाज उड़ने लगे। रोहित शर्मा और सुमन गिल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और रनों की बौछार कर रहे थे। एक तरफ अफगानिस्तान के बल्लेबाज और कप्तान के ऊपर इतना ज्यादा दबाव हो गया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि रनों की बारिश हो रही थी। अभी लगभग 12 ही ओवर हो पाए थे और भारतीय टीम दिग्गज यहां पर सुमन गिल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन यहां पर 13वें ओवर में सुमन गिल आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि सुमन गिल स्टंप आउट हो गए, जहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा। सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली जैसे खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज आ गए रोहित शर्मा का साथ देने के लिए। मैदान पर विराट कोहली आए, जो काफी खूंखार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जहां पर उन्होंने काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू किया। विराट कोहली के आते ही मैदान पर सनसनी सी मच गई, क्योंकि विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला जिसने आते ही मैदान पर खलबली मचा दी और पूरे के पूरे अफगानिस्तान के गेंदबाजों को रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि यहां पर यशस्वी जायसवाल सुमन गिल इतनी बेहतरीन पारी नहीं खेल पाए, जहां पर अकेले विराट कोहली ने इतनी घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी की कि यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विराट कोहली जैसी आंधी को कैसे आउट किया जाए। यहां पर 14वें ओवर में विराट कोहली ने 3 छक्के और 3 चौके एक साथ जड़ दिए, जहां पर पूरे के पूरे ओवर को ही खा लिया। वहां पर हम बात करें 15वें ओवर की, तो यहां पर विराट कोहली ने 15वें ओवर में भी काफी घमासान विस्फोटक बल्लेबाजी की और रोहित शर्मा का खूब साथ दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर रोहित रिंकू का नाम हो रहा था और विराट कोहली का नाम हो रहा था, क्योंकि यहां पर भारतीय टीम काफी बेहतरीन तरीके से खेल रही थी। लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया 16वें ओवर में, जब यहां पर कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने से मैदान पर खलबली मच गई और यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह रह गए थे, जो पारी को काफी बेहतरीन तरीके से आगे तक ले जा सकते। लेकिन जब यहां पर 17वें ओवर में रिंकू सिंह का बल्ला चला तो युवराज सिंह और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी पे चौंक गए, उन्होंने भी रिंकू सिंह को खड़े होकर के सलाम ठोक दिया, क्योंकि रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला जिसने मैदान पर आके ही तबाही मचा दी। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी का मुरीद हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने खुद झुककर रिंकू सिंह को सलाम ठोका, क्योंकि यहां पर रिंकू सिंह ने इतनी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की कि 18वें ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई कांप उठा। रिंकू सिंह और विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर कहर बरसा रहे थे। इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी आज तक किसी बल्लेबाज ने नहीं की होगी, क्योंकि रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था। रिंकू सिंह और यहां पर जो है मैं आप सभी को बता दूं, विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर अब जीत के लिए भारतीय टीम को 2 ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी, जहां पर 2 ओवरों में 50 रन बनाने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और विराट कोहली तैयार थे, जहां पर 1 ओवर में सिर्फ 20 ही रन निकल पाए, जहां पर अब 30 रनों की जरूरत थी 1 ओवर में। यानी कि मैं आप सभी को 5 गेंदों पर 6 छक्के लगने चाहिए, यानी कि 1 ओवर में 6 छक्के लग पाएंगे तभी भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। शाहरुख खान खुद यहां पर रिंकू सिंह की बल्लेबाजी देख रहे थे और वो भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब ये मुकाबला मैच पूरी तरीके से फंस चुका था। एक तरफ रोहित शर्मा जो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे कोच राहुल द्रविड़ के साथ, वो भी काफी ज्यादा मायूस थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 1 ओवर में जो है 30 रन कहां से आ पाएंगे। अगर जो है यहां पर अगर आ जाएंगे तो आखिरकार किस तरीके से आएंगे, अगर 6 ही 6 लगे तभी आ पाएंगे, अगर 1 भी चौका लग गया तो भी भारतीय टीम नहीं जीत पाएगी। लेकिन यहां पर रिंकू सिंह जैसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐसा कमाल मचा दिया कि 1 ओवर में जो है इतनी तबाही भरी बल्लेबाजी की देखकर आप भी रुकाव जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि 1 ओवर से पहले पहले यहां पर पहले ही अफगानिस्तान के बल्लेबाज कप्तान और खिलाड़ी जो है खुशी का जश्न मनाने लगे और वो सोचने लगे कि पहला T20 का मुकाबला हमने जीत लिया। लेकिन यहां पर अभी 1 ओवर बाकी था और 30 रन चाहिए थे जीत के लिए, जहां पर रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ गए। आप सभी को बता दूं कि यहां पर पहली बॉल पर छक्का लगा दिया, दूसरी बॉल पर फिर छक्का लगाया, तीसरी बॉल पर रिंकू सिंह ने फिर छक्का लगाया और चौथी बॉल पर फिर एक छक्का लगाया। अब जीत के लिए सिर्फ यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर सिर्फ महज 6 रनों की जरूरत थी, जहां पर 1 छक्के की जरूरत थी। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह ने एक शॉट तगड़ा खेला और जहां पर जो है आप सभी को बता दूं कि 5वीं बॉल पर भी एक छक्का जड़ दिया, जहां पर अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ गई, अफगानिस्तान के गेंदबाज भी भावुक होकर के रोने लगे। यहां पर भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है। रोहित शर्मा और रिंकू सिंह और विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऐसा कहर बरसाया कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। ये T20 का मुकाबला जो है वार्म अप था, यानी कि टेस्ट मुकाबला इन दोनों के बीच खेला गया था। फिलहाल जो रियल मुकाबला है वो आज खेला जाएगा। अब उसमें पता लगता है कि कौन सी पार्टी जीती है। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी भारतीय टीम जीते, आप भी
किसी भी देश देख रहे हो इस वीडियो, तो आप लोग ईश्वर से दुआ कामना बना रखें कि हमारी भारतीय टीम हर एक मुकाबले में जीते, चाहे वो किसी भी देश से हो, क्योंकि हमारी भारतीय टीम के बल्लेबाज काफ़ी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज है। हालांकि किसी किसी मैच में ना चले वो अलग की बात है, लेकिन भारतीय टीम जैसे बल्लेबाज आज तक कहीं नहीं आपको मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विराट, रिंकू, रोहित में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और बुमराह, सिराज, शमी में कौन है बेहतरीन गेंदबाज, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।